हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिवाइन पब्लिक स्कूल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट टू रीडिंग दिस चैप्टर, आवर चैप्टर 8, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आज हम इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करेंगे। इन अवर प्रीवियस क्लास वी डिड द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप यू राइट डाउन देम इन योर नोटबुक एंड लर्न इट टू। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Human beings are an integral part of the environment in which they live. Human beings यानी इंसान, यानी आप और मैं और हमारे जैसे और भी जो इंसान इस दुनिया में हैं, वो सभी हमारे environment का एक integral part है। Integral part का meaning होता है एक ऐसा हिस्सा जिसे हम अलग करके नहीं देख सकते। मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग जब इसके लिखाए थे तो जो इंटीग्रल पार्ट है इसके लिए हिंदी टर्म लिखाया था अभिन्न अंग। अभिन्न अंग का मीनिंग होता है एक ऐसा हिस्सा जिसे हम अलग करके नहीं देख सकते। सो हमारे एनवायरनमेंट का जो ह्यूमन बीइंग्स है वो इस एनवायरनमेंट का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम एनवायरनमेंट से अलग नहीं कर सकते। दे डिपेंड मेनली ऑन द एनवायरनमेंट, और वो जो हैं यानी ह्यूमंस जो हैं वो डिपेंड कर रहते हैं, निर्भर रहते हैं किस पे, इन ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पे वो डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग जहाँ जिस माहौल में रहते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट होता है। जो हमारे आसपास के एरिया होते हैं, लोग होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और जो भी एरिया हमारे आसपास है वो सब मिलकर क्या बनाता है, हमारा एनवायरनमेंट बनाता है, हमारा वातावरण बनाता है। और हम लोग जो हैं अपने एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड होते हैं। अलग हमारी जो नीड्स होती हैं, मेन जो ज़्यादातर ज़रूरतें होती हैं वो कहाँ से फुलफ़िल होती हैं, फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। वो हमारे एनवायरनमेंट से ही जो है फुलफ़िल होती है। लाइक हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अदर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो इन सब से हम जो है हमारी जो हमारी जो नीड्स हैं वो उन्हें फुलफ़िल करते हैं। लाइक प्लांट्स से हमें वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, तो ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन भी मिलता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिलता है। यूज़ इट नेचुरल रिसोर्सेज एंड कोएक्सिस्ट विद अदर लिविंग फॉर्म। और ह्यूमंस जो हैं वो अपने नेचर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और दूसरे जो लिविंग फॉर्म्स होते हैं, दूसरे जो जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके साथ कोएक्सिस्ट करते हैं, उनके साथ मिलकर रहते हैं। ह्यूमंस यानी इंसान क्या करते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। यूज़ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। लाइक नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, प्लांट्स, इनका हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। और वो ज़मीन है, पत्थर है, इन सब चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। लाइक हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं फॉर वेजिटेबल, फॉर वुड एंड फॉर फर्नीचर। हम लोग वुड्स का, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम एनिमल का यूज़ करते हैं फॉर आवर डोमेस्टिक वर्क, जो हमारा डोमेस्टिक वर्क होता है उसके लिए। लाइक फार्मर्स जो है कैटल्स को फार्म्स पे रखते हैं और वो उन्हें हेल्प करता है। उसी तरह से हम कुछ एनिमल्स को यूज़ करते हैं फॉर आवर फूड, हमारे फूड के लिए। लाइक जिन एनिमल्स से हमें मीट मिल रहा है, एग्स मिल रहा है, वो हमें क्या दे रहे हैं, हमें फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, वाटर का, प्लांट का, एनिमल्स का, सॉइल का, इन सब का यूज़ करते हैं, मिनरल्स का यूज़ करते हैं। और अपने जो साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट हैं, इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, उनके साथ मिलजुल कर इस अर्थ पे रहते हैं। हाउएवर द मैनर इन विच मैन यूजेस इट्स एनवायरनमेंट हैज़ चेंज इट ड्रास्टिकली। लेकिन फिर भी अब क्या हो रहा है, जो इंसानों का जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने का तरीका है वो बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। अब क्या हो रहा है, पहले भी ह्यूमंस रहते थे अर्थ पे, वो नेचर के साथ मिलजुल के रहते थे, बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इंसानों का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूज़ करने का तरीका भी बदलता जा रहा है, वो भी बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग कम्फर्ट, और ये किस वजह से हो रहा है, उनके
कंफर्ट इंक्रीजिंग यानी बढ़ रहा है। जो ये सब क्यों बढ़ रहा है, टू इंक्रीजिंग कंफर्ट, आराम के वजह से। मतलब लोगों को अपनी लाइफ में आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सुविधाएं चाहिए, नीड्स ज़रूरत, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह, इंडस्ट्रियलाइजेशन की एंड बूमिंग पॉपुलेशन और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से ये सारे मैनर्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। ह्यूमंस के जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का जो तरीका है वो क्यों बदल रहा है, बिकॉज हमें हमारी लाइफ में कम्फर्ट चाहिए और हम हमारी लाइफ में कम्फर्ट के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पर एक गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लाइक हमें फर्नीचर बनवाना होता है तो हमारे फर्नीचर को बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, जंगल से लकड़ियाँ काटी जा रही है। अगर आप जंगल से लकड़ी काट रहे हो तो आपका ये ड्यूटी है कि आप उसके लिए नया प्लांट भी लगाएं, उसकी जगह पर नया प्लांट भी लगाएं। बट लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्लांट्स तो कट करते हैं बट उनको ग्रो नहीं करते हैं या बहुत कम ग्रो करते हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ह्यूमंस के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के तरीके हैं वो बदल रहे हैं। एंड दिस इज़ द एक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द अर्थ, और ये जो है अर्थ पर एक स्ट्रेस को बढ़ावा दे रहा है। इसकी वजह से जो अर्थ है, जो धरती है, उस पर तनाव बढ़ता जा रहा है, दैट हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड, और इसकी वजह से मैनीफोल्ड यानी बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे नुकसान भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमंस क्या हो रहे कर रहे हैं, अपने नीड्स, अपने कंफर्ट और मॉडर्न लाइफ स्टाइल पॉपुलेशंस की वजह से जो रिसोर्सेज को यूज़ करने के जो तरीके हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वाटर वेस्ट करते हैं, प्लांट्स कटिंग करते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अर्थ पर एक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह है, काफ़ी हार्मफुल है, बिकॉज उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। लाइक हम ट्रीज कट करते हैं बट न्यू ट्रीज को ग्रो नहीं करते और उसकी वजह से क्या होता है हमारे, और फिर साथ ही साथ इंडस्ट्री से जो है धुआं, ऑयल, ये सब निकल के क्या कर रहा है, हमारे आसपास पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जो एक हार्मफुल थिंग है। दस द ह्यूमन beings are the major threat to the environment, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो humans हैं वो environment को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। Pollution is basically the mixing of undesirable contaminants in air, water, land or soil. Pollution क्या होता है, land, air, water, land and soil में ऐसे सब्सटेंस का मिक्स हो जाना जो उन्हें क्या कर रहे हैं, अनप्योर कर रहे हैं, डर्टी कर रहे हैं। मतलब एयर में, वाटर में, सॉइल में ऐसे सब्सटेंस का मिक्स हो जाना जो उन्हें गंदा बना रहे हैं, डर्टी बना रहे हैं, उसे पॉल्यूशन कहा जाता है। द चीफ टाइप ऑफ पॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। अब इसमें जो चीफ टाइप ऑफ यानी मुख्य रूप से जाने जाने वाले इम्पॉर्टेंट जो या मेजर टाइप ऑफ पॉल्यूशन है वो है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल और लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये जो है मेजर टाइप ऑफ पॉल्यूशंस हैं जो हम जनरली जिन्हें जानते हैं या हमारे आसपास जो पाया जाता है। एन अनदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन इज लाइट और फोटो पॉल्यूशन। एक और नए तरीके का जो पॉल्यूशन है वो है लाइट और फोटो पॉल्यूशन। इट इज एक्सेस और ऑब्ट्रसिव लाइट क्रिएटेड मेनली बाय ह्यूमन। ये किसकी वजह से होता है, जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, जो ह्यूमंस के ज़रिए जो लाइट्स बनाई गई हैं उनकी वजह से ये होता है। इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रैप आवर इकोसिस्टम दैट कैन कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, और ये हमारे इको सिस्टम को जो है डिस्ट्रैप करता है, हमारे इको सिस्टम में दखल अंदाजी कर रहा है, जो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम का रीज़न बनता है, कॉज बनता है। ये एक नए टाइप का पॉल्यूशन है जो हमारे इकोसिस्टम को
डिस्टर्ब करता है, डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से कई हेल्थ इश्यूज़, कई हेल्थ प्रॉब्लम जो है इंक्रीज होते हैं. सो दैट्स इन टुडेज क्लास. इस आज क्लास में बस इतना ही. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय.